अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने लगे हैं 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का हम सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करने लगे हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वो दिया गया है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमने इसको फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है फैक्टराइजेशन को इसको सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का हम लोग कैसे सॉल्व करते होते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो हमारे पास इसको हम सॉल्व करते हैं। फैक्टर करने का आसान सा मेथड होता है कि हम कोई भी क्वेश्चन हो एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स नेगेटिव के 20 इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, उसकी तरतीब सेट होनी चाहिए। पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुकम्मल तरतीब में फॉर्म होनी चाहिए। फर्स्ट सॉल्व कैसे किया जाता है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किसको करते हैं, नेगेटिव के हमारे पास 20x2 आता है। 20x2 आता है, इसके हम इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। टू पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करें कि दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नेगेटिव का 20x2 बन जाए। अगर हम दोनों जो पार्ट्स बनेंगे उनको दोबारा ऐड करें या उनमें से एक किसी एक को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास एक मिड में जो वैल्यू होगी वो बन जाए। इसलिए अगर देखें हम लोग यहाँ पे लिखे नेगेटिव हम लोग 5x और मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पर 4x। अगर हम 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव के हमारे 20 बन जाते हैं। एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर बन जाता है। अब यहाँ से देखें अगर ऐसे करें नेगेटिव 5x में से 4x डिटेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो अकेले हमारे पास एक्स वैल्यू है जो हमें मीट में चाहिए। हम यहाँ से पुट के लिए लिखते हैं, पुट करते हैं एक्स स्क्वायर नेगेटिव 5x पॉजिटिव के हमारे पास 4x नेगेटिव के 20 इक्वल टू 0। अब हम देखें फर्स्ट टू में से हम कॉमन वैल्यू कौन सी ले सकते हैं, यहाँ से हम x ले सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा एक्स नेगेटिव के 5। अब सेकेंड टू में से हम कौन सी वैल्यू कॉमन आ सकती है, यहाँ पर हमारे पास 4, यहाँ पर x नेगेटिव 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें x नेगेटिव 5 और x नेगेटिव 5 के सेम फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ से हम लिखते हैं x नेगेटिव 5, ये इनमें से एक फैक्टर को हम लेंगे। नेक्स्ट क्या लेना, जो चीज़ हम लोगों ने कॉमन ली होगी इनमें से फर्स्ट टू में से, यहाँ से x लिया है तो x, यहाँ से क्या कॉमन हमने 4 लिया तो प्लस हमारे पास 4 इक्वल टू 0। अभी हम लोग यहाँ से देखें x नेगेटिव 5 इक्वल टू 0 और x पॉजिटिव 4 इक्वल टू 0। एक्स 5 इस साइड पर हम क्या होता है पॉजिटिव का हो जाता है फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स और यहाँ से एक्स हमारे पास आ जाता है 4 अदर साइड जाके नेगेटिव कर दिया हमारे पास सेकेंड वैल्यू इस क्वेश्चन की बात करती है। हम आंसर लिखते हैं एस डॉट एस सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन तो हमारे पास बन जाता है यहाँ पर 5 और नेगेटिव 4, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो लिखो है हमारे पास के 3x² और इक्वल में हमारे पास वाई और नेगेटिव 5। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है ये 3y² इक्वल वाई को आप वाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये y² और वाई को नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव 5y हो जाता है हमारे पास। अब हमें एक देखना होगा कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 3y हमारे से बड़ी है और y हमारी पास के हमारे से क्या है हमारे पास छोटी वैल्यू, ये ज़्यादा है ये कम है, तो इस वैल्यू को हम इस साइड ले आएंगे। हमारे पास 3y² इक्वल का साइन हमारे पास, जब ये y इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, ये 5 इधर आएगा तो पॉजिटिव का 5 y हो गया इक्वल हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 3y में से पास कर वैसे 1y² डिटेक्ट हो जाए तो हमारे पास 2y² रह जाता है, पॉजिटिव का हमारे पास 5y इक्वल 0। अब हम देखेंगे वैसे हम कॉमन वैल्यू कौन सी ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन y को ले सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2y + 5 = 0। यहाँ से जो हमने कॉमन लिया y लिया y इक्वल टू 0 और 2y + 5 = 0। 2y 5 उस साइड पर चला जाता है तो ये नेगेटिव का हो जाता है, यहाँ से 2y - 5 हमने
तो y को फाइंड करना होता है, तो हम इसके साथ जो 2 है यहां से हम डिवाइड कर देते हैं, यहां से डिवाइड कर देते हैं, इसको यहां से डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल, y यहां से देखें तो नेगेटिव 5 ओवर 2 है, हम इसको यहां पर ऐसे दे दें तो ठीक आंसर होता है, अगर ऐसे कर दें y का टू नेगेटिव 2.5 तो ये ऐसे भी हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, ठीक होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास दिया हुआ है ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे, जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास है, यहां से थर्ड क्वेश्चन देखें, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दिया गया हमारे पास वो है हमारे पास के 4 नेगेटिव 3x और इक्वल हमारे पास 17x किया। अब यहां से ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तरतीब में नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आए, यहां पर हो जाए 17x किया, यहां पे राइट हैंड साइड पर है तो हम यहां पे 3x को भी इस साइड ले आएंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव का 3x हो जाएगा, और सॉरी यहां पे 3 नहीं है, यहां पे 32x है हमारे पास, 32x यहां से हमारे पास 32x है, और यहां पे 4 है वो इस साइड है तो पॉजिटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा हमारे पास 4 = 0। अब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म से हम लोग अब देखें वही तरीका क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का हमें मल्टीप्लाई करना होता है, यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को ये हमारे पास बन जाते हैं 68x स्क्वायर। अब 68 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिवाइड करने से उनको मल्टीप्लाई करें दोबारा 68x स्क्वायर बन जाएगा, 1 में से सेकंड को डिटेक्ट करें तो हमारे पास मिड वाली वैल्यू 32x हो जाती है, यहां से 34x मल्टीप्लाई 2x करें तो हमारे पास 68x स्क्वायर बन जाता है, अगर ऐसा करें 34x में से -2x को डिटेक्ट कर लें तो हमारे पास 32 रह जाता है, इसलिए हम यहां पे इसको पुट कर देते हैं, हमें 17x स्क्वायर प्लस 34x -2x -4 = 0। यहां से हमारे पास देखिए फर्स्ट में कॉमन 17 और साथ क्या आ जाता है हमारे पास x आ जाता है, यहां से हमें रहता है 1x plus 2, यहां से एक नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं, सेकंड हम लोग 2 को भी कॉमन, यहां पे हमारा रहता है x plus 2 equal to 0, x plus 2 सेम फैक्टर आ रहे हैं इसको कॉमन ले लेंगे, यहां से हमने कॉमन लिया 17x, यहां से नेगेटिव 2 equal to 0, x plus 2 equal to 0 और 17x negative 2 equal to 0, x 2 अदर साइड जाके negative का हो जाता है और 17x 2 positive का। अब हमने किसको find करना है, x find करना है 2 तो 17 का हम इधर भी divide कर देते हैं और यहां भी हम लोग divide करते हैं, यहां से ये cancel हो जाता है, x यहां पर 2 over 17 हमारे पास क्या आ जाता है इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम लिख देते हैं s dot s equal to negative 2 और 2 over 17 ये हमारे पास क्या हो जाता है इसका आंसर आ जाता है थर्ड क्वेश्चन का। इसके लिए अगर इसका हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट जो हमारे पास होता है वो है हमारे पास फोर्थ पार्ट हम लोग देखते हैं कि वो है हमारे पास x square negative 11x equal 152। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आने हम लोग बने, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आते हैं, यहां पर हमारे पास है x स्क्वायर नेगेटिव 11x 152 को इस साइड लिया तो ये भी नेगेटिव का 152 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक को ये, अब हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, फर्स्ट वैल्यू साथ कुछ भी नहीं 1 होता है, यहां पर 152 है, 152 का हम लोग 2 पार्ट्स बनाने जाते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 2 पार्ट्स बनाने से उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 बन जाए, अगर उनमें से एक बार फर्स्ट सेकंड किसी को डिटेक्ट कर ले तो हमारे पास क्या आ रहा है मिड वैल्यू 11 आ रहा है। अगर हम यहां से देखें हम यहां पे लिखते हैं x स्क्वायर नेगेटिव के 19x पॉजिटिव के 8x और नेगेटिव के 152 इक्वल टू 0, 8 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 हो जाता है और अगर इसमें से 19 से 8 को डिटेक्ट कर लें तो हमारे पास 11 आ जाता है, तो हम इसलिए
ये बुक बता देते हैं यहाँ से हम कॉमन एक्स ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स नेगेटिव के हमारे पास 19, यहाँ से कॉमन हम 8 लेते हैं, यहाँ पर एक्स नेगेटिव के 19 इक्वल 0, यहाँ से एक्स नेगेटिव 19 एक्स नेगेटिव 19 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव 19 ले लेंगे, यहाँ से एक्स और यहाँ से कॉमन क्या है 8, तो 8 ले लेंगे इक्वल 0, एक्स नेगेटिव के 19 इक्वल 0 आ जाते हैं हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है x प्लस 8 इक्वल टू 0, x को यहीं रह देते हैं, 19 इस साइड जाके पॉजिटिव का हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू x 8 से जाके नेगेटिव का हो जाता है, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ जाती है, x डॉट इज इक्वल टू 19 नेगेटिव 8, ये हमारे पास क्या आ जाता है फाइनल आंसर। ये फर्स्ट फोर क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसको सॉल्व किया।